हुण मैं बेनती करांगा सोहण सिंह दिओ जिहड़े खालसा दीवान सोसायटी वैनकूवर के प्रधान ने कि वह दो शब्द कहण और उस तो बाद राज चौहान जिहड़े बीसी की विरोधी धिर एनडीपी के एमएलए ने वह तैयार रहण। सोहण सिंह दिओ हाजरी हो सारे नो पहला मैं अज जिन्होंने कविया ने कवि दरबार किया उन्हों का हूँ गुरप्रीत जी का जिन्होंने एक थोड़ा दूजे पासे मोड़िया अज का जो जल्हांवाले बाग का साके का जितों तक तलक आ असी सारे जानते हाँ और कल असी विसाखी का दिहाड़ा मनाया। मेरा ख्याल आ जिन्हें भी अपने कवि बोल के गए आ वो जल्हांवाले बाग के साके दे शहीदां दे उते उन्हां दा पूरा निर्भर सीगा और वो जिहड़ी चीज़ आ मेरा तो ख्याल जे शायद मैं हुण दूजे पासे नूं जावां ये जिन्नियां भी शहादतां जो कुछ भी सीगा ये साडी आज़ादी तो बाद आज़ादी ताईं ये कायम रहा और आज़ादी तो पहला जिन्नियां कवितावां इन्होंने कई और जिन्ने भी साडे पहला लेखक भी होए आ उन्होंने जो जो कुछ किया और वो बड़ा अग्रैसिव और भावपूर्वक और लोगों के उत्ते लगता सीगा। लेकिन हुण जे देखा जाए तो मैनू तो लगता इदा कि साडा जिहड़ा समाज ही आ जे हुण आपां पंजाब वल भी थोड़ा निगाह मारीए क्योंकि आ जिहड़ा मुल्क आ इहदे जिहड़े मसले आ वो वक्खरे आ। अज असीं जल्हांवाले बाग का साका मना रहे हाँ ये जिहड़ी चीज़ आ इह सानूं थोड़ा जिहा अपने पंजाब वल नूं जाणा चाहीदा क्योंकि अज जे देखा जाए वो जिहड़े शहीद होए आ जिदा कल्याणपुरी उन्होंने जिहड़े शब्द कहे आ लोक ने खड़े करन वाले आ कि ये जिहड़े शब्द आ अज पंजाब दे लोकां दे विच उदां ही गूंजदे आ। मेरा ख्याल आ नहीं पता नहीं साडे उत्थे दा समाज बदल गया पता नहीं साडी सोच बदल गई आ। उही भगत सिंह जिन्हां दे सुपने कोई होर सीगे अज उस दे जिले भी बन गए आ उस दे हर तरह गौरमेंटां जिहड़ियां आ उहदा नाम बत रहियां आ लेकिन उहदी सोच जे उहदी सोच नूं देखिया जावे तो अज कित्थे अपलाई हुंदी आ कित्थे नहीं अपलाई हुंदी। उहदी सोच नूं लै के एक पंजाब दा नौजवान मनप्रीत उठिया सीगा और उहदा हाल तुसीं सारिआं ने देखिया। सो इदां ही ऊधम सिंह वर्गे जिहड़े शहीद होए आ हुण अज दे समाज दे विच साडे विच देखो असीं उत्थे कि इन्हां जिहड़े उन्हां दे पूर्ने सीगे जिहड़ियां उन्हां दीआं मंगां सीगीआं असीं उन्हां दे उत्ते चल रहे हाँ। मेरा ख्याल नहीं क्योंकि वह जिहड़े वह जो कुछ भी जिहड़े सुपने सीगे वह साडे सरकार अज दे जो उत्थे लीडर आ जां उत्थे दीआं गौरमेंटां आ जां जे वह सिर्फ अपनीआं रोटियां सेकण दे आ वोटां लैण लई कोई चीज़ उत्थे उन्हां दे सुपनिआं दे उत्ते सरकार नहीं होंदी। सो इस करके मैं तां इही मेरा तां इही ख्याल आ कि जिहड़े भी अज उन्हां दी सोच दे उत्ते असीं पहरा दे रहे हाँ और ये बहुत चंगी गल आ कवियां दी बहुत वधिया गल सी अज दे भाषणां दे उत्ते भी ठीक आ लेकिन जिथे इन्हां दी लोड़ जिथे ये वापरे आ और जे उत्थे दा हुण इस वेले हाल देखिए तां उह तुहाडे सारिआं दे सामणे आ। सो इस करके मेरा तो यही आ कि जिहड़े कवि आ उहो जिहे कवि जिहड़े आ उह उह समाज नूं हलवा दिंदे रहन और जिहड़े लिखारी आ उह अपने लेखां राहीं उह समाज नूं चकदे रहन शायद किते कोई चेंज आवे। सो बहुता कुछ ना कहिंदा होया मैं किवें दा जाच गया हो सकदा कोई भावपूर्वक गल कह गया होवां। थैंक यू। दोस्तों आसन सोहण सिंह दिओ खालसा दीवान सोसायटी के प्रधान। खालसा दीवान सोसायटी का आज़ादी की लड़ाई में बड़ा अहम रोल रहा ये सानू नहीं भुलना चाहिए इतों की एक बड़ी इतिहासिक जथेबंदी है। पर मैं एक बेनती करांगा कि जिहड़े इत्थे नगर कीर्तन या जुलूस निकलते हैं विसाखी के मौके पर वैनकूवर के भी सरी के भी सरी वाले दी परेड बारे असं कह सकते हैं कि हाँ इतने जिहड़े खालिस्तान नूं परनाए हुए जिहड़े ग्रुप ने उन्हां दी अगुवाई परेड होंदी है
उन्हां तों तां असीं आस नहीं करते, पर घट्टो घट मॉडरेटां तों इस गल की आस की जा सकती है कि घट्टो घट वो अपने जिहड़े विसाखी के परेड के जलियांवाले बाग बारे कोई झांकी जरूर शामिल करन। ये कदे होया नहीं अज तक, इस दे बारे सोचण असीं इस गल की बेनती करते हैं। और खास तौर पर कमलजीत सिंह तों वेख के सीध लै लवो, अगली बारी हो सकता शायद साडा गिला करन दी सानूं लोड़ ही ना पवे। साहिबान, आज विसाखी का दिन है। Position, load, fire!